वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ विज्ञान यूट्यूब चैनल। और आज हम अपना सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि पिछले क्लास में सेंटर ऑफ मास के हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन स्टार्ट किया था, और उसमें हम लोगों ने दो तरह के सवाल करे थे। एक कि जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं लीनियर मोमेंटम पे उसको कैसे सॉल्व करना है, और दूसरा कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अगर ऐड करके लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आएंगे तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि जो रिलेटिव मोशन वाला जो फंडा है वो थोड़ा टेक्निकल है, वो थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है। तो उस पर मैंने काफ़ी सारे सवाल करवा चुके हैं आप लोगों को, तो आई डोंट थिंक अब आपको उसमें दिक्कत होनी चाहिए। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपने पिछले लेक्चर्स नहीं पढ़े, तो आप चैनल पर क्लिक करके देख सकते हो पूरी सीरीज में सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 4। ये लेक्चर नंबर 5 है, ठीक है। सो वेलकम टू विज्ञान यूट्यूब चैनल बच्चों। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड, डूइंग फाइन। सब लोग बढ़िया कर रहे हो गए? कैसा पढ़ाई कर रहे हो? कितने देर सेल्फ स्टडी कर रहे हो? एक बार मेरे को चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अच्छा लगेगा मुझे देखकर, ठीक है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर मोमेंटम के तीसरे वेराइटी की क्वेश्चंस के बारे में, जिसका नाम है एक्सप्लोजन क्वेश्चंस। अब ये एक्सप्लोजन क्वेश्चंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज पहले डिटेल में समझेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम लोग एक्सप्लोजन से डील कर रहे होते हैं ना, यानी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट की स्टडी कर रहे होते हैं जो ऑब्जेक्ट ब्लास्ट कर गया या एक्सप्लोड कर गया, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है। क्या समझाने में? ये समझाने में कि एक्सप्लोजन के बाद का सिनेरियो क्या था, एक्सप्लोजन के दौरान कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे, और एक्सप्लोजन के बाद की सिनेरियो क्या थी, ठीक है। तो बेसिकली बिफोर द एक्सप्लोजन, ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन एंड आफ्टर द एक्सप्लोजन की स्टडी करने में हमारी लीनियर मोमेंटम हेल्प करता है इन एक्सप्लोजन केसेस, इन एक्सप्लोजन केसेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग कंसेप्ट पे आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना। ऊपर वाला तो स्टेटमेंट था, वो तो आपके ज्यादा काम का है नहीं, बट नाउ वी आर कमिंग टू द कंसेप्ट। अब देखो, अगर मान लो कोई एक एक्सप्लोजिव ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई एक्सप्लोजिव ऑब्जेक्ट है। अब इसके अंदर कुछ इंटरनल फोर्सेस की वजह से ये एक्सप्लोड कर जाए, अगर मान लो इसके अंदर कोई भी वाइब्रेशन इंक्रीज कर गया, थर्मल एनर्जी इंक्रीज कर गई, कोई भी रीजन हुआ, उसकी वजह से अब ये एक्सप्लोड कर गया, और एक्सप्लोड करके अब ये तीन चार टुकड़ों में बट गया, मान लो चार टुकड़ों में बट गया इस तरीके से, ठीक है। एक टुकड़े का मान लो मास है M1, दूसरे टुकड़े का मास है M2, तीसरे टुकड़े का मास है M3, चौथे टुकड़े का मास है M4, ठीक है। मान लो एक टुकड़ा इधर जा रहा है V1 वेलोसिटी से, दूसरा टुकड़ा जा रहा है V2 वेलोसिटी से, तीसरा टुकड़ा जा रहा है इधर V3 वेलोसिटी से, चौथा टुकड़ा जा रहा है इधर V4 वेलोसिटी से। आप देख पा रहे हो कि चारों टुकड़े अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से जा रहे हैं, और उन सब के मासेस भी अलग अलग हैं। पहले अगर इसका मास सिर्फ m था, जो कि किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 के, तो अब ये फ्रेगमेंटेड के फ्रेगमेंट होने के बाद, टूटने के बाद, अब इसके मासेस अलग अलग हो गए अलग अलग पार्टिकल्स के, और वो अपनी अलग अलग वेलोसिटी से जाने लग गए। अब हम लोग मानते ये हैं कि क्योंकि जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड किया वो अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से किया, उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, ठीक है, तो हम मानेंगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व था, क्योंकि एफ एक्सटर्नल वॉज जीरो, सो वी विल एज्यूम दैट लीनियर मोमेंटम जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन विल बी इक्वल टू लीनियर मोमेंटम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि लीनियर मोमेंटम ठीक एक्सप्लोजन से पहले जो था वही एक्सप्लोजन के बाद भी है। क्यों? क्योंकि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, क्योंकि सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। अगर बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है, कोई भी सब्सटेंस एक्सप्लोड कर रहा है, तो वो अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस जीरो ऑन इट, ठीक है। तो अब अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो पी इनिशियल क्या होगा, पी इनिशियल हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, जो कि कैपिटल M के बराबर है, इनटू V, और क्योंकि सब एक साथ जुड़े हुए थे एक ऑब्जेक्ट को बनाकर, तो उनकी वेलोसिटी सबकी सेम थी पहले,
अब जब फ्रैगमेंट हो गए एक्सप्लोजन के बाद, हो गया एम वन बी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री और ये हो गया एम फोर वी फोर। ठीक है, बॉम्ब के एक्सप्लोड करने के बाद, बॉम्ब के फ्रैगमेंटेड हो जाने के बाद अलग अलग पार्ट की वेलोसिटी अलग अलग हो गई। फ्रैगमेंटेड का मतलब अगर किसी को नहीं समझ आ रहा, तो फ्रैगमेंटेड मतलब टुकड़ों में बट जाना, टुकड़ों में बट जाना, बिखर जाना। ठीक है, तो अब अगर हम पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल करेंगे तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा, एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर इंटू वी इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू प्लस एम थ्री वी थ्री प्लस एम फोर वी फोर। ठीक है, ये आ गया आपका एक्सप्लोजन वाला फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे हम लोग पूरे न्यूमेरिकल्स में जो कि एक्सप्लोजन से रिलेटेड होंगे, और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बच्चों, और हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है, नोटेड डाउन आप लोग एक जगह पे नोटबुक में इसको लिख लीजिए, इस फॉर्मूले को। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। कोई एक ऑब्जेक्ट है, अगेन ये एक्सप्लोड करने वाला है, मैंने अंदर में जिगजैग बना देके फटने वाला है। ठीक है, पहले ये इनिशियली रेस्ट में था। ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली फटने से पहले इट वॉज एट रेस्ट। ठीक है, अब ये तीन हिस्सों में फट गया, इट एक्सप्लोडेड इंटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, और वो तीनों पार्ट कुछ इस तरीके से है कि उनका जो मास रेशियो है वो 1:1:2 है, यानी एक का मास m, दूसरे का मास m, तीसरे वाले का मास 2m। ठीक है, तो जो दो लाइटर पार्ट्स हैं यानी दो m मास वाले पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, एक की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये जो दो लाइटर मास हैं m मास वाले, ये इनकी दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे से राइट एंगल पर है। ठीक है, इट इज गिवन दैट बोथ m मासेस आर मूविंग एट राइट एंगल्स विथ वन अनदर। ठीक है, ये विथ का सिंबल है, ओके, सी के ऊपर बार। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, हमें बताना है थर्ड पार्ट की स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है, 2m वाले मास की स्पीड। ठीक है, और ये अज्यूम करते हैं कि ये एक टू डायमेंशनल मोशन हो रहा है, थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं हो रहा है, इट इज अ टू डायमेंशनल मोशन, तो इट इज हैपनिंग इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में ये पूरा मोशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। पहले इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था उसकी मास कितनी होगी, m प्लस 2m, 4m। ठीक है, तो 4m मास वाला जो ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में था उसकी इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगी, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वाज जीरो बिकॉज ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, सो पी इनिशियल वाज जीरो, है ना, इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो था। तो अकॉर्डिंग टू दी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर इनिशियल लीनियर मोमेंटम जीरो है तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, यानी एक्सप्लोजन के बाद भी जो तीन टुकड़े हैं उनका कंबाइंड लीनियर मोमेंटम जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। ये अपने तीन मासेज हैं, एक की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, एक की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, मैं अभी थर्ड मास को यहां से हटा दे रहा हूं, अभी थर्ड मास की बात हम लोग बाद में करेंगे, इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, उनकी रिजल्टेंट जो है उसकी उसका क्या हो जाएगा, कॉस वाला टर्म तो अपना ये हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 25 प्लस 6, सॉरी 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, रूट 25 इज वॉट, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है, इन दोनों मासेस का रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर, वो है 5 मीटर पर
पर सेकेंड। ठीक है, अब ऐसा है सिचुएशन, ठीक है, कि अगर तीसरा ऑब्जेक्ट है, अगर हमें इस पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो करना है, तो जो तीसरा ऑब्जेक्ट होगा उसकी वेलोसिटी को इसके नेट वेलोसिटी के ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं ड्रॉ कर दूं और उसको मान लूं वी, तो क्या इस पूरे फाइनल सिनेरियो के सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा? ध्यान से समझो, ये 3 मीटर पर सेकेंड वाले मास और 4 मीटर पर सेकेंड वाले मास की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी थी वो थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब 3 मीटर और 4 मीटर को भूल जाओ, अब दोनों का कंबाइंड वेलोसिटी कितना हम देख रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड। अब 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, ठीक है, अब मुझे अगर इस 5 मीटर पर सेकेंड को जीरो अगर मैं नहीं करता हूँ, तो हमारे सिस्टम की एक नेट लीनियर मोमेंटम हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, 2m × 5, है ना, m प्लस m, सॉरी, हाँ m प्लस m, 2m × 5, करेक्ट, ठीक है। बट हमें तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी जीरो करना है, बिकॉज इनिशियल लीनियर मोमेंटम वाज जीरो, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम शुड ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। तो उसके लिए जो थर्ड मास है, हम मान लेंगे उसकी वेलोसिटी जस्ट रिजल्टेंट वेक्टर के ऑपोजिट होगी, ताकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दे और फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो हो, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? नहीं, ये होगा एम वी, ठीक है, ये हम वेलोसिटी डायग्राम नहीं, ये मोमेंटम डायग्राम बना रहे हैं, ये होगा m4, ये m3 और ये m5। तो एम वी, ये सॉरी 2m है ना, सॉरी, तो 2mv इज इक्वल टू 5m, m और m कैंसिल हो गए, v इज इक्वल टू 5/2, विच इज नथिंग बट 2.5 मीटर पर सेकेंड, विच इज नथिंग बट 2.5 मीटर पर सेकेंड। जस्ट गिविंग, ठीक है, नथिंग बट 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये अपना फाइनल आंसर है। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, शुरू से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं एक बार फिर से। हमने क्या करा, पहले इनिशियल लीनियर मोमेंटम निकाली बॉम्ब की, तब जब वो एक्सप्लोड नहीं किया था वो जीरो आई, क्योंकि बॉम्ब रेस्ट पे था। तो अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, ठीक है सर। अब हम मोमेंटम डायग्राम बनाते हैं, तो अगर मोमेंटम डायग्राम हम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि दोनों जो 4 मीटर पर सेकेंड वाली मास थी और 3 मीटर पर सेकेंड वाली मास थी, उनका रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर 5 मीटर पर सेकेंड आ रहा था। 5 मीटर पर सेकेंड को उन दोनों के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m × 5 हो जाएगा, ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम हो गया किसका, इन दोनों ऑब्जेक्ट का। अब जो तीसरा ऑब्जेक्ट था वो जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, वो उसकी वेलोसिटी, ताकि दोनों का वेक्टर एक दूसरे को नलीफाई कर दे और फाइनल लीनियर मोमेंटम भी जीरो हो जाए, ये क्या हो जाएगा, 2m इसका मास और v इसकी वेलोसिटी हमने मान ली, तो v इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, 2mv इज इक्वल टू 5m कर दिया, इन दोनों वेक्टर्स को इक्वेट कर दिया, येल्लो वाले और व्हाइट वाले वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ द थर्ड ऑब्जेक्ट, इस तरीके से हमने वेलोसिटी ऑफ द थर्ड ऑब्जेक्ट निकाल ली, बहुत आसान है, आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होगा। अब देखो इस पे अभी हम लोग और क्वेश्चन करेंगे, तो घबराना मत। अ बॉम्ब ऑफ मास 16 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेज ऑफ मासेस 4 kg एंड 12 kg, ठीक है, एक बॉम्ब है जो कि पहले रेस्ट में, ठीक है, अगर रेस्ट में है और इसकी मास कितनी है 16 kg, तो अगर रेस्ट में है तो इसकी इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगी, जीरो, एम इंटू वी, वेलोसिटी इज जीरो तो मोमेंटम इज जीरो। अब ये क्या हुआ, ये दो हिस्सों में बट गया, दो पीसेस में ये टूट गया, ये बॉम्ब एक्सप्लोड कर गया, कैसे कैसे दो हिस्से थे, एक 4 kg का और एक 12 kg का, ठीक है, एक 4 kg में टूटा, दूसरा 12 kg में टूटा, ठीक है। अब जो वेलोसिटी है 12 kg वाले मास का, वो है 4 मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में होगा, 12 kg वाले मास की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग आर्बिट्रली किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी बतानी है 4 kg वाले मास की, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है 4 kg वाले मास की। 12 kg वाले मास की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, 4 kg वाले मास की वेलोसिटी को वी मान लेते हैं, और अभी हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, बट हमें इसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है, किसकी, 4 kg वाले मास की। उसके लिए तो हमें 4 kg वाले मास की पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, मास हमें मालूम है, वेलोसिटी नहीं मालूम। अगेन फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो, क्यों, क्योंकि इनिशियल लीनियर मोमेंटम भी जीरो है। फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
4 केजी वाले मास की वेलोसिटी 12 केजी वाले मास के वेलोसिटी के जस्ट ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगी वी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में अब क्या कर लेंगे, एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे इफेक्ट को दोनों के, मोमेंटम के, और फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अब पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल करो, पी इनिशियल इज जीरो, पी फाइनल इज हाउ मच, 12 इंटू 4, 12 केजी वाला मास 4 मीटर पर सेकेंड प्लस 4 इंटू माइनस वी, 4 केजी वाला मास इंटू माइनस वी, इसीलिए क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 12 फोर जा 48 माइनस 4 वी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड, वी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, क्लियर है। तो वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड इसकी 4 केजी वाले मास की, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 4 केजी इंटू 144, 12 का स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा 288 जूल, ये आपका आंसर देख लो, सिंपल तो है, बस इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का कंसेप्ट लगाया है, और तो कुछ इसमें हैवी है नहीं। कूल एवरीवन, सबको समझ आ रहा है। अब देखो, एक एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से एक रॉक 3 पार्ट में ब्लास्ट कर गया, ठीक है। सपोज देयर वाज अ रॉक, ठीक है, बिकॉज ऑफ एक्सप्लोजन इट ब्लास्टेड इनटू 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स गो ऑफ एट राइट एंगल टू ईच अदर, दो पार्ट्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर गए, राइट एंगल पे गए, और ये दोनों पार्ट जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर गए आर 1 केजी पार्ट, पहला वाले का मास 1 केजी था जिसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड थी, और दूसरा वाला पार्ट जो 90 डिग्री पर गया था उसकी मास 2 केजी थी और उसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड थी। तो हमें बताना है कि अगर थर्ड वाला पार्ट 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कहीं पर फ्लाई ऑफ किया होगा तो उसकी मास कितनी होगी। अगेन इट इज अ वेरी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन विच वी हैव डन जब मैंने आप लोग को शुरुआत वाला एग्जाम्पल करवाया था, सेम क्वेश्चन। इनिशियली हम मान लेते हैं कि रॉक रेस्ट में था, ठीक है, तो अगर इनिशियली रॉक रेस्ट में था तो उसकी इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगी, जीरो। मान लो ये पत्थर है, ठीक है, ब्लास्ट करने से पहले ये मान लो अगर रेस्ट में था तो पी इनिशियल इसकी हो गई जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं पी फाइनल की, एक पार्ट 12 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, ये कौन सा है, 1 केजी वाला मास, ठीक है। दूसरा, इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, एक मिनट बच्चों, दूसरा कितना है, ये 2 केजी का मास है, ये किधर जा रहा है, कितने वेलोसिटी से, 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे जाएगा, दोनों 90 डिग्री पर है तो 144 प्लस 64 विल बी हाउ मच, 144 प्लस 64 इज 144 प्लस 64, नहीं नहीं 64 नहीं लेंगे, रुक जाओ 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 रुक जाओ, ये 12 है और इसके पीछे इसके पास मास कितना मल्टीप्लाइड होगा, 1 एम इंटू वी, तो ये आ जाएगा 12, और ये 8 मीटर पर सेकंड से जाने वाली वेलोसिटी का मास था 2 केजी, तो 2 इंटू 8 ये आ जाएगा 16, तो ये दोनों मोमेंटम आ गए 12 और 16, 1 केजी वाले मास का मोमेंटम 12, 2 केजी वाले मास का मोमेंटम 16। अब इनका मोमेंटम का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या आ जाएगा, 20 के बराबर, क्यों सर, क्योंकि 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 20 के बराबर होता है, ठीक है। अब इनके मोमेंटम का जो वेक्टर है उसके जस्ट ऑपोजिटली डायरेक्टेड होगा थर्ड वाले मास का वेक्टर, ठीक है। थर्ड वाला मास कितने केजी का है हमें नहीं मालूम, उसको एम मान लेते हैं, बट उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दी हुई है, तो एम से उसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी 4m इज इक्वल टू 20, भाई ये वाले वेक्टर को आपस में इक्वेट कर दिया तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 केजी, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, हमें बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं ना कि बच्चे मोमेंटम कंजर्वेशन डायग्राम में ना वेलोसिटी वेक्टर्स को ड्रॉ करने लग जाते हैं, नहीं बेटा हमें वेलोसिटी वेक्टर्स को ड्रॉ नहीं करना, हमें मोमेंटम वेक्टर्स ड्रॉ करने हैं, हमें क्या करना है, दीज इज मोमेंटम वेक्टर, दीज आर मोमेंटम वेक्टर्स, डोंट ड्रॉ वेलोसिटी वेक्टर्स,
आप गलती कर दोगे, मोमेंटम वेक्टर ड्रॉ करो, पहले वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ कर लो अपनी सहूलियत के लिए, उसके बाद मास से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल लो। सिंपल, 5 kg मास मिल गया ना हमें, आ गया, क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक्सप्लोजन वाले केसेस में बस इतना ही था, ठीक है, और इससे ज्यादा एक्सप्लोजन वाले केसेस में कुछ आपको पढ़ना है नहीं, दिस वॉज ऑल अबाउट इट। तो आज के क्लास में बस हम लोग इतनी ही बातें करेंगे, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्पल्स, ठीक है, अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि इम्पल्स स्टार्ट करूं, इम्पल्स के थोड़े क्वेश्चंस करवाऊं, ठीक है, सिर्फ इम्पल्स की बात करेंगे अगले वीडियो में, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, विच इज व्हाट, विच इज कोलिजन। ओके बच्चों, सो या दैट्स इट अबाउट टुडेज वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फेलो जेई एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो, चैनल को सपोर्ट देते हो, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा वीडियोस और फ्रिक्वेंटली बनाने का। ठीक, बाकी तो आपकी मर्जी, चलो बाय बाय, टेक केयर।